सभी प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय भाई बहनों, जैसा कि हम सभी देखते हैं, इस भौतिक जगत में जो आध्यात्मिक क्षेत्र है, भक्ति का जो क्षेत्र है, उसमें बड़ी असमानता देखने को मिलती है, जिसके कारण हमें कभी कभी मन में हमारे में हीन भावना भी आ जाती है, विश्वास हमारा डगमगा जाता है। कारण क्या रहता है? जहाँ तक मैंने समझ पाया, श्रीमद् भगवद गीता जी में भी प्रभु श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया हुआ है कि हमारे जो पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, उन्हीं के अनुरूप हमारा अगला जन्म होता है। तो मान लीजिए, अपने जीवन काल में हमें देखने को मिलता है कि कोई कोई तो पूरे जीवन काल में प्रभु की प्राप्ति के लिए, प्रभु के आशीर्वाद के लिए, उनके भक्ति मार्ग में प्रवृत्त होकर साधनों को भी करता रहता है, परंतु फिर भी उसे वो फल प्राप्त नहीं हो पाता जो होना चाहिए उसके कर्म के अनुरूप। और वहीं दूसरा व्यक्ति जो केवल थोड़ा सा ही साधन मार्ग में प्रवृत्त होता है प्रभु की प्राप्ति के लिए, थोड़ा सा ही सत्संग करता है, थोड़ा सा ही भजन करता है, फिर भी उसे प्रभु की प्राप्ति हो जाती है, प्रभु के दर्शन हो जाते हैं। तो यह क्या है? यह सब रहता है हमारे पूर्व जन्म का संस्कार। मान लीजिए, पूर्व जन्म में किसी ने प्रभु की भक्ति की और भक्ति उसकी उस लेवल पर नहीं पहुंच पाई जो भावना है, उसका वो पॉइंट नहीं आ पाया जहां पर जाकर के प्रभु प्रसन्न हो, प्रभु को हम देख सकें। तो उसके पश्चात तो उसका शरीर वहां पूरा हुआ और वह अगले जन्म में गया, तो उसका जो पूर्व जन्म का संस्कार था वह वहीं से स्टार्ट होगा। अब इसके विपरीत किसी ने पूरे जीवन में ही अपनी भक्ति नहीं की और लास्ट में जाके उसे इस बात का पता लगा, प्रभु के अस्तित्व का पता लगा, ज्ञान हुआ, तब उसने सोचा, और जब तक सोच पाया तब तक उसका शरीर छूट गया। तो उसका जो नेक्स्ट बर्थ था, अगला जन्म है उसका होगा, उसमें उसकी वहाँ से स्टार्टिंग होगी। अब दोनों में यही अंतर आ जाएगा कि जिसने पहले भक्ति मार्ग में पढ़ करके काफ़ी कुछ किया हुआ था, उसका वो फल उसे मिल जाएगा। तो आइए, अब समय को न व्यर्थ करवाते हुए आज शुरू करते हैं आज की सत्य कथा को, जो बड़ी ही रोचक है और प्रभु श्री कृष्ण के दर्शनों का जो सुख है उससे मन को खींचती है अपनी ओर। यह सत्य कथा है श्री अनंतानंद जी की। अनंतानंद जी का जो बचपन का नाम था वह था छन्नूलाल। इनका जन्म महेशपुर नामक गांव, जो कि अयोध्या जी के समीप एक राम रेखा नदी है, उसके तट पर हुआ था। इनका बचपन बड़ी विषमताओं से भरा हुआ था। जब यह छोटे से ही थे तब इनकी माता का स्वर्गवास हो गया और माता के पश्चात कुछ ही दिनों बाद पिता भी इनको छोड़ करके चले गए। अब तो बालक छन्नू अनाथ ही हो गए। ऐसे समय में अवधू पंडित, जो कि इन्हीं कहा जाता था उस समय, इनके यजमान ग्वालों की दृष्टि इन पर पड़ी और उन्होंने ही इनका लालन पोषण किया। थोड़े बड़े होने पर ये ग्वाल वालों के साथ वन में गाय चराने जाने लगे। अब यहीं पर एक बड़ी ही अजीबोगरीब और दिल दहला देने वाली घटना घटी। एक दिन ये वन में गाय चरा रहे थे, उसी दिन इनको बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी दूर से आती हुई। बंसी की ध्वनि का आकर्षण इतना था कि इनसे रुका नहीं गया और ये उस बंसी की दिशा में ही चल दिए उसे देखने के लिए। जब ये उस स्थान पर पहुंचे तो एक बच्चा उस बांसुरी को बजा रहा था। इसने तो ये जब वहां पहुंचे तो उस बच्चे से, जो इनके बराबर का ही था, इन्होंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने बताया कि मेरा नाम सबरू है और मैं यहीं पर गाय चराने आता हूं और बांसुरी साथ रखता हूं, बांसुरी बजाता हूं, मुझे अच्छा लगता है। छन्नूलाल को उस बालक का स्वभाव बड़ा ही प्यारा लगा और बातें भी बड़ी दिल लुभावनी लगी, तो इनकी उससे मित्रता हो गई। अब तो ये दोनों ही प्रतिदिन साथ साथ गाय चराते और ये उसका बंसी वादन नित्य सुना करते थे। यही क्रम चलने लगा। इन दोनों की मित्रता इतनी प्रगाढ़ हो गई कि एक पल भी विरह इन्हें अच्छा नहीं लगता था छन्नूलाल को।
अतः इन्होंने एक दिन अपने उस मित्र से कहा, बातों ही बातों में इस बात को बताया कि भाई अब आपसे मित्रता हुई है तो मैं जब आपको छोड़ के चला जाता हूँ तो मुझसे रहा नहीं जाता है। तो जो वो सबरू था, सबरू से इन्होंने कहा कि ऐसा करो, मुझे आपका घर देखने की बहुत इच्छा है, मुझे अपने घर ले चलो। तो बालक सबरू तैयार हो गया, उसने कहा ठीक है चलो आज हम आपको अपने घर लिए चलते हैं। सबरू ने कहा ऐसा करो तुम आंखें बंद करो अपनी। तो बच्चों में तो ऐसे कार्य होते ही रहते हैं, खेल खेल में कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो सबरू ने आंखों पर हाथ रख के आंखें बंद करा दी छन्नू लाल की। प्रिय भाई बहनों, भक्तमाल की बिल्कुल सत्य घटना है, इसलिए अन्यथा शब्द को तो अपने दिमाग में अपने मस्तिष्क में लाएं ही ना, जिससे इसका जो आनंद है वह व्यर्थ गवाएं। तो पूरा रस लीजिए, आनंद लीजिए। अब देखिए यहाँ पर कहने की बात नहीं है, परंतु जो छन्नू लाल का मित्र सबरू था वह कोई और नहीं, अखंड ब्रह्मांड अधिपति गोलोक अधीश्वर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही थे। उन्होंने इनसे आंखें बंद करने को कहा और जैसे ही इन्होंने अपनी आंखें बंद की, एक ही क्षण में ये भगवान के नित्य निवास श्री गिरिराज गोवर्धन पहुंच गए। वहां श्री भगवान ने इनको अपनी विविध लीलाओं का दर्शन कराया, इससे इन्हें अपने ब्रह्म स्वरूप का ध्यान हुआ और भाव इनकी भाव के कारण इनकी समाधि लग गई। पुनः जब समाधि से ये जागृत हुए, वहाँ ज्ञान हुआ, तब इन्होंने अपने आप को फिर उसी स्थान पर उसी वन में पाया जहाँ पर इनकी सबरू से भेंट हुई थी। अब तो यह विरह से व्याकुल ही हो गए, भला एक बार जब कोई उनके दर्शन कर लेगा, जिनके समक्ष सारी वस्तुओं की सुंदरता सभी का ऐश्वर्य फीका है, एक झलक भी नहीं है, तो क्या होगा। प्रिय दर्शकों, अनंतानंद जी का प्रभु श्री कृष्ण के साथ जो मैत्री भाव था वह हमेशा बना रहा और अधिक प्रगाढ़ होता रहा। एक बार कहा जाता है कि आश्रम में नित्य भोग के लिए कुछ दूध की आवश्यकता थी और दूध देने वाले ग्वाले के यहाँ अशौचावस्था थी, अर्थात तो उसके यहाँ से दूध को किसी प्रयोग में नहीं लाया जा सकता था, अब वह अशुद्ध हो चुका था किसी कारणवश, तो उसके यहाँ का दूध स्वीकार नहीं हो सकता था। ऐसे समय में इन्होंने अपने बाल सखा उसी सबरू को याद किया। भगवान भी अपने भक्त के उस भाव की पूर्ति के लिए दूध लेकर सबरू के रूप में उपस्थित हो गए। तो कहा भी गया है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो प्रभु अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते, यदि हमें पूर्ण निष्ठा होती है, पूर्ण विश्वास होता है। यह सत्य घटना आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य किया कीजिएगा, जिससे उसका क्रेडिट आपको प्राप्त हो सके। मैं तो ये कहानी रिकॉर्ड करके और आप तक पहुँचा देता हूँ, परंतु आप जितना अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, लाइक तो ठीक है अगर आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अन्यथा इसे शेयर तो अधिक से अधिक कीजिएगा, जिससे दूसरे लोग भी इसके लाभ को उठा सकें और जो प्रभु के प्रति उनका प्रेम है, स्नेह है, भक्ति है, वो थोड़ी प्रगाढ़ हो सके। अभी कोई एक लेख निकला था, लेख प्रकाशित हुआ था, तो उसमें मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि यदि हमें कोई भी चीज़ ऐसी है जिससे हमें प्रेम हो जाता है, स्नेह हो जाता है, या उसका ऐश्वर्य हमें पसंद आता है, हमारा मन बलपूर्वक आकर्षित होता है, हम उसे नहीं रोक पा रहे, तो एक बात तो यहाँ ध्यान देने वाली यह है कि जो भी कुछ इस संसार में है वह सब कुछ प्रभु से ही बना हुआ है। तो प्रभु प्रत्येक वस्तु में समाये हुए हैं, प्रत्येक जीव में समाये हुए हैं, और प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व प्रभु से ही है। तो हमें यदि कोई चीज़ ऐसी है जो हमें बलपूर्वक आकर्षित कर भी रही है, तो उसको भी हम अपने प्रभु में ही देखें, प्रभु श्री कृष्ण में ही उसका दर्शन करें। क्यों? क्योंकि इसका सीधा सीधा सिद्धांत यही है कि वह जो भी कुछ है, सबकी उत्पत्ति प्रभु श्री कृष्ण से ही है। एक छोटी से छोटी सुई से लेकर के जितना बड़ा से बड़ा
अस्तित्व है इस पृथ्वी पर, वह सब कुछ प्रभु की ही वजह से है, प्रभु के ही कारण है। तो समस्त कालों के कारण वही हैं, इसलिए जिससे भी प्रेम है स्नेह, उसे हमें प्रभु में ही देखना है, प्रभु में ही देखना चाहिए, जिससे हमें उनसे प्रेम हो सके। उनसे अधिक सुंदर तो कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे कोई जीव हो कोई इंसान हो। अब प्रभु के चतुर्सूर्य का स्मरण करते हुए एक बार ध्यान करते हैं। हरे राम राम राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।